यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का 3 साल का गठबंधन टूट गया, या फिर साफ शब्दों में कह लें कि बीजेपी ने तोड़ दिया। बीजेपी ने राज्यपाल एनएन वोहरा को सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ये मांग बीजेपी की ओर से की गई। साथ ही बीजेपी के समर्थन वापसी के बाद महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करते वक्त बीजेपी नेता राम माधव ने समर्थन वापस लेने के कई कारण गिनवाए और साफ कहा गया कि जिस मकसद को लेकर बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, सरकार बनाई थी, वो मकसद पूरा होता नजर नहीं आया। राम माधव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में स्थिति काफी बिगड़ी, जिसके चलते ये फैसला लेना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में पीएम, साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अमित शाह, राजनेतृत्व सभी ने बातचीत की थी और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डर की नीति नहीं चलेगी। साथ ही कहा कि सरकार के जरिए उन्होंने कश्मीर में अपना एजेंडा लागू करवाने में वो कामयाब रही। महबूबा का कहना है कि कश्मीर के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान से भी बात की जानी चाहिए, यह उनकी हमेशा कोशिशें रही। अपनी उपलब्धियां उनकी ओर से गिनवाई गई और कहा गया कि 370 को लेकर लोग डरे हुए थे, उसको लेकर हम डटे रहे। 11,000 लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उसे वापस लिया गया। साथ ही महबूबा की माने तो उनकी सफल नीति की वजह से देश के पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भी गए। तो राम माधव और महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। पास किया, पूरे मुल्क में लागू हो गया। हम 3 साल पहले सरकार बनाए थे, उस समय जनता का जो जनादेश था वह विखंडित था। इट वॉज ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट, यू ऑल नो। 2014 एंड में जो मैंडेट आया था उसमें जम्मू का क्षेत्र पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन दिया था, वही कश्मीर घाटी में मेजॉरिटी सीट पीडीपी को मिले थे। इस जनता के जनादेश को ध्यान में रखकर हमने एक साझा सरकार चलाने का निर्णय लिया था। उसके लिए 4 महीने की कसरत हुई, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, एजेंडा ऑफ एलियंस बनाई थी। उस एजेंडा के एलियंस के तहत हम सरकार चलाने के लिए पीडीपी के साथ मिलकर प्रयास शुरू किया था। ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी, ये बहुत ही सोच समझ के, हालांकि लोगों के मिजाज के मुखालिफ था, ये हमने एक बड़े विजन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये अलायंस किया था, ये सोच के कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस मुसीबत में फंसे हैं, उस मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बड़ी ताकतवर पार्टी है उसके साथ हमने हाथ मिलाया। पिछले 3 साल से ज़्यादा के समय में भाजपा अपनी तरफ से सरकार अच्छी तरह चले और सरकार के जो 2 मुख्य लक्ष्य थे, एक तो शांति, राज्य में शांति बहाल करना, दूसरा राज्य के 3 प्रमुख हिस्सों में विकास को तेजी से आगे बढ़ाना, रेस्टोरिंग पीस इन कश्मीर, एस्पेशली इन द कश्मीर वैली, एंड एनकरेजिंग फास्ट डेवलपमेंट इन ऑल द 3 regions ऑफ द स्टेट, दैट इंक्लूड जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर वैली। These were the twin objectives with which we had joined hands with the PDP to form the coalition government. हमें कई महीने लगे एक आपस में एक तालमेल, एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाने का, जिसका बेसिक मकसद ये था रिकंसिलेशन, यानी जम्मू कश्मीर में रिकंसिलेशन डायलॉग, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायलॉग, यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता, ये हमारे जो एजेंडा ऑफ अलायंस का ये मकसद था। आज जो परिस्थिति राज्य में निर्माण हुई है, जिसमें एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स दैट इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड फ्री स्पीच, ये भी खतरे में आ गए हैं वैली में। आपने देखा जिस प्रकार एक
मूर्धन्य पत्रकार शुजात बुखारी जी की दिन दहाड़े श्रीनगर शहर में हत्या होती है। जिस वक्त बीजेपी को जम्मू में सपोर्ट मिला और हमें कश्मीर में सपोर्ट मिला, उस वक्त सबसे बड़ा अप्रेंशन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में था, खासकर वादी कश्मीर में, वो ये था कि 370 सबसे बड़ा अप्रेंशन था 370 को लेके, हमारे स्पेशल स्टेटस को लेके। और हमने पिछले 3-4 साल जिस तरह से 370 को 35A के खिलाफ हमने कोर्ट में उसको डिफेंड किया और 370 की पोजीशन को पूरी तरह से हमने उसका दफा किया। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हवाले से 11,000 नौजवानों के खिलाफ हमने केसेस विड्रॉ किए, हमने यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर करवा दिया। तो महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कश्मीर में सरकार गिरने के पीछे कारण क्या रखे। तो बीजेपी का पक्ष है ये कि राज्य में आतंकवाद बढ़ा है, जिसके चलते बीजेपी ने ये बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में लिया है। राज्य में अलगाववाद में तेजी आई है, ये हवाला भी दिया गया बीजेपी की ओर से इस गठबंधन को तोड़ने का। राज्य में विकास के कार्य रुके हैं, तो समर्थन वापस लिया गया। उसके पीछे जो ठोस वजह बीजेपी को लगती है कि जम्मू और लद्दाख में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए थे, जिसके चलते बीजेपी ने फैसला लिया है। राज्य में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी, खासतौर पर मीडिया का जो अभिव्यक्ति का अधिकार था, आजादी थी, वो खतरे में आ गई थी। राज्य सरकार में बीजेपी हिस्सेदार थी, लेकिन कमान पीडीपी के हाथ में थी। निर्णायक फैसला कमोबेश हर बार, बड़े मुद्दों पर पीडीपी का रहा ये। बीजेपी ने आज अपना पक्ष पेश किया है। रमजान महीने में सीज फायर लागू किया गया था, लेकिन उसमें भी शांति स्थापित नहीं हो पाई, शांति बहाल नहीं हो पाई। और रमजान में जो इंटरनल सीज फायर का जो फैसला लिया गया था, वो राज्य सरकार का और खास तौर पर राज्य की मुखिया का फैसला था, जो सिफारिश की गई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय से। उसके बाद उसमें भी मतभेद देखे गए थे, ऑपरेशन ऑल आउट में भी मतभेद रखे। तो लोकसभा चुनाव 2019 में पीडीपी से रिश्ते अगर कायम रहते, बरकरार रहते, तो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान हो सकता था। पत्थरबाजों को लेकर भी महबूबा कभी सख्त नजर नहीं आई, कभी सख्ती उनकी ओर से दिखाई नहीं गई। और सेना के ऑपरेशन को लेकर, जैसा कि पहले आपको बताया, ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर भी मतभेद देखे गए। कश्मीर के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, यह महबूबा मुफ्ती का पक्ष है। पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, यह भी महबूबा को लगता है कि शांति से ही चीजें स्थापित हो सकती है जम्मू कश्मीर में। मस्कुलर पॉलिसी नहीं चल सकती, ये लगता है महबूबा को। और 370 को लेकर हम डटे रहे, महबूबा की ओर से कहा गया। ये इस्तीफा दिए जाने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुई, साथ ही अपनी उपलब्धियों के तौर पर इस बात को गिनवाया गया कि 11,000 जम्मू कश्मीर के युवाओं पर से मुकदमे वापस लिए गए और उन्हीं की सफल नीति रखी जिसके चलते पीएम पाकिस्तान गए, लाहौर गए थे। तो दोनों ही पक्ष आपके सामने है। एक वो पक्ष है जो कि बीजेपी पेश करती है इस गठबंधन को तोड़ने के पीछे, एक वो पक्ष है जो गठबंधन तोड़े जाने के बाद महबूबा सामने लेकर आई कि हमें लगता है कि गठबंधन और सरकार जितना चला वो कामयाब रहा। तो नीति, हालांकि शुरुआती तौर पर जब यह गठबंधन किया गया था, सवाल उस वक्त भी उठे थे कि दोनों की विचारधारा अगर एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है, कैसे चल पाएगा। तो 3 साल से ज्यादा का वक्त हालांकि पूरा किया गया, तमाम मतभेदों के साथ सरकार चलती रही, लेकिन आज ये मौका आया जब बीजेपी ने हाथ खींच लिया। और जब बीजेपी ने हाथ खींचा तो सरकार भी गिर गई। महबूबा ने इस्तीफा दिया है, महबूबा ने अपना पक्ष भी मीडिया के सामने रख दिया है। चलो एक बार आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों का गणित बताते हैं। तो पीडीपी की बात कर ली जाए, 28 सीटें हैं जो कि पीडीपी के पास हैं। सबसे बड़ी पार्टी रखी, हालांकि मैंडेट नहीं मिला था 2014 की बात कर ली जाए। अभी बीजेपी दूसरे नंबर पर रखी सीटों के लिहाज से, 25 सीटें बीजेपी के पास रखी। और एनसी की अगर बात कर ले जाए, उमर अब्दुल्ला की पार्टी की अगर बात कर ले जाए, 15 सीटें हैं उनके पास। कांग्रेस की स्थिति ये है कि 12 सीटों के साथ है कांग्रेस। तो किसी भी तरह से गणित यूं नहीं लगता कि सरकार बना ली जाएगी या नंबर इस तरह से कम नजर नहीं आते। तो 7 अन्य हैं और 2 सीटें जो है वो मनोनीत है, तो कुल मिलाकर 87 सीटें और 44 वो नंबर है जो कि जादुई है। अभी फिलहाल कोई भी पार्टी आगे नहीं आई। उमर अब्दुल्ला की बात कर ले जाए,
सीधे तौर पर खारिज कर चुके हैं कि सरकार बनाने के पक्षधर नहीं है, ना पहले मैंडेट था ना अभी जनादेश है। कांग्रेस ने भी रुचि नहीं दिखाई है, गुलाम नबी आजाद साफ कर चुके हैं, बीजेपी हाथ खींच चुकी है, राज्यपाल शासन लागू कर दिया जाए, चारों ओर से मांग यही बरकरार है। चले जम्मू कश्मीर में क्या हुआ और जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ है, बीजेपी से हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, बहुत स्वागत है आपका, और इनेलो से प्रवक्ता जोगीराम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रणदीप घणघस जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमारे साथ के एस कालू साहब हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। शर्मा जी, ये कैसे हो जाता है कि गठबंधन करते हैं तो भी देश हित का हवाला देते हैं, गठबंधन तोड़ा जाता है तो भी देश प्रेम की बात करती है बीजेपी? शर्मा जी आपसे सवाल, शास्त्री जी सुन पा रहे हैं आप? सत्यव्रत शास्त्री जी, शास्त्री जी बताइए। शर्मा जी हो गए ना, इसी करके मैं। शास्त्री जी बताइए। धन्यवाद मैडम। राष्ट्र प्रेम की बात जो है वो राजनीति पार्टियों के अंदर जब सबका मेटू होता है तो हमारे अभी एक सिद्धांत, नेशन इज द फर्स्ट, ये हम सब कार्यकर्ताओं को पहला पाठ पढ़ाया जाता है। किसी भी काम को करते समय आपको राष्ट्रीय हित पहले देखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर का लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ तो जम्मू संभाग में भाजपा आगे थी और घाटी में पीडीपी थी, ठीक है, और लगभग दोनों को मिलाकर एक बड़े भूभाग पर इन दोनों पार्टियों के का जन समर्थन था। हम ये कह सकते हैं कि यदि ईमानदारी से इस बात को लेकर चलते हैं, राजनीति प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता भी इस तालमेल को लेकर जनमानस का बदलने का जो प्रयास था उसको यदि रहते तो ये निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता था। हम सोचते हैं कि जब जम्मू कश्मीर को तीन भागों में, लद्दाख, जम्मू और घाटी, जो अशांत क्षेत्र है वो सारा जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू में शांति रहती है, लद्दाख में शांति रहती है, केवल घाटी के कुछ हिस्से के अंदर ही ये अशांति है, और उसके अंदर बहुत बड़ा जो मत मिला वो पीडीपी को मिला था, और पीडीपी को अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए इस बात के लिए जनमानस को और प्रशासनिक ताकतों का प्रयोग करते हुए लोगों के बीच जो संवाद की बात करते हैं पीडीपी नेता, उनको ये सोचना से संवाद के लिए शिवसेना ये कहती है, आपकी सहयोगी है फिलहाल तक एनडीए की, ये कहती है कि सरकार के लिए व्यापार किया गया था, ये गठबंधन नहीं था किसी भी तरह का। नहीं, व्यापार का कारण नहीं है, व्यापार का कारण तो जब उसके अंदर कोई सौदाबाजी हो, सौदाबाजी का कोई कारण नहीं। जिस प्रकार का समर्थन उनके पास था उसी प्रकार का कमोबेश समर्थन हमारे पास था, और दोनों को मिलकर एक प्रयोग करके किसी प्रकार से जनता जनता का जो आवाम का जो इच्छा थी उस इच्छा के अनुरूप कुछ काम हो, और निश्चित रूप से इस सारे के बीच जहां तक भाजपा का अपने शासन तंत्र के अंदर हाथ में रखकर जो कुछ कर सकते थे वो अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हम कह सकते हैं कि जो मूल निर्णय लेने के कारण थे वो पीडीपी नेता, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास रहते अच्छा हैं। अगर किया गया तो गठबंधन तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, सरकार गिराने की दरकार क्यों हुई? हाँ, इसलिए कि उनके अनेक प्रयासों के बाद भी जैसा उनकी इच्छा थी कि इस प्रकार ये प्रयोग किया जाए, ये प्रयोग किया जाए, शांति के लिए हर प्रयोग के लिए लोकतंत्र के अंदर माना जाता है, लेकिन उनके हर प्रयोग के बाद भी स्थिति उनके अनुकूल नहीं हुई, देश के अनुकूल नहीं हुई, वहां के आम शांति चाहने वाले नागरिकों के अनुकूल नहीं हुई, तो फिर आखिर इसको कब तक ढोया जाता, इसलिए ये विचार किया कि इसको ज्यादा आगे ना ढोया। जोगीराम जी, तीन साल से ज्यादा बीजेपी ने ढोया है, शास्त्री जी को लगता है ये कहते हैं कि आगे ना ढोया जाए, क्या इतना लंबा टाइम लगेगा, एक्सपेरिमेंट किया गया फिर? देखिए, ये एक ऐसी पार्टी है जिस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इन्होंने कितनी जगह पर जनता का, हमारे राजनीतिक लीडर्स का विश्वास तोड़ा है। पहले इन्होंने देखो चौधरी बंसीलाल जी के साथ ये किया हरियाणा में, जबकि वो मेजोरिटी में दोनों मिल के आए थे और एक गठबंधन था उनका। अब पीडीपी के साथ ये किया है। सबसे बड़े मुद्दे थे कश्मीरी पंडित के बारे में जो इन्होंने उठाए थे, तो उसके बारे में बीजेपी ने क्या किया? एक बार भी नहीं बोले कश्मीरी पंडित जी की, पंडितों की रिहेबिलिटेशन का क्या किया जाए। जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे जम्मू में, उनकी नागरिकता के बारे में एक बार भी नहीं बोले, कितने दिन से पेंडिंग है। 370 के बारे में ये एक बार भी नहीं बोले बीजेपी वाले। इनका केवल एजेंडा यही था, इसको खींच के ले चलो और इलेक्शन के दौरान हम इसको तोड़ देंगे और ब्लेम सारा पीडीपी पे होगा। जबकि पीडीपी जो रीजनल पार्टी है, लोगों से जुड़ी हुई है और उसका मकसद ये है कि भी लोगों के साथ मिलके उसको एक्चुअली पता है भी लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। सेंटर में जो पार्टी है, हमारी नेशनल पार्टी है, लोगों की प्रॉब्लम नहीं जानती है, एक प्रभारी थोप देते हैं
राम माधव जी को थोप दिया, राम माधव जी को क्या पता वहां पर क्या है। तो आपको लगता है कि पीडीपी का जो स्टैंड था वो सही था? पीडीपी का जो स्टैंड, मैं ये कह रहा ठीक था, जो मुकदमे वापस लिए गए, सेना पर केस किए जाए वो ठीक था। देखिए ये तो इन्होंने देखना था, लागू किया जाए, क्या इनको लगता है वो जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिहाज से ठीक थी वो फैसले? ये तो बीजेपी ने देखना था ठीक था या नहीं था, तो इनको समझौते नहीं करना चाहिए था, उनके साथ मिलना नहीं चाहिए पहले पता। आपने कहा कि रीजनल पार्टी है, वहां के लोगों को बेहतर समझती है, पार्टी है वहां की स्थिति को जानती है, ये स्थिति को खराब करने के लिए ही किया राम माधव जी का ही ये डिसीजन था, राम माधव जी ने तोड़ा। और ब्लेम पीडीपी को कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ब्लेम तो सेंट्रल पार्टी का है, नेशनल पार्टी का है, उसने क्या योगदान दिया उसमें? कहीं भी योगदान दिया हो, जो हमारे मुद्दे लेके बीजेपी चली थी कि हम कश्मीरी पंडित की रिहैबिलिटेशन का करेंगे, मुद्दा नहीं उठाया, 370 आर्टिकल के बारे में करेंगे, नहीं जो बाहर से आए उनके बारे में करेंगे। पार्टी से हैं सर, तो हर एक रीजनल पार्टी को डिफेंड करेंगे आप? नहीं, 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती का जो स्टैंड है उसकी जानकारी आपको है? हाँ, धारा 370 को लेकर जो महबूबा का स्टैंड है क्या आप उसमें साथ हैं? सुनिए एक बार के लिए, इंटरनल सीज फायर पर जो पीडीपी का स्टैंड है क्या इनेलो उसमें साथ है? देखिए, जो पत्रकारों पर मुकदमे वापस लिए गए क्या इनेलो उसमें साथ है? और सेना पर एफआईआर करवाए जाए क्या इनेलो साथ है पीडीपी के? क्योंकि हम साथ की बात नहीं करें, दोनों और कांग्रेस और ये दोनों कम्युनल पार्टी है, पीछे भी डिब्यूट हुई है, उसमें कांग्रेस कह रही थी कि ये एंटी हिंदू है, ये कह देता है एंटी कांग्रेस को कह देते हैं एंटी हिंदू, और ये कांग्रेस को एंटी मुस्लिम कह देती है, जबकि यहाँ पर दोनों ही का रहना जरूरी है, हिंदू का भी मुस्लिम का भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारी तो फेडरल गवर्नमेंट के फेवर में है कि भी अगर राकेश शर्मा जी कैसा है ये फैसला जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिहाज से? देखिए ज्योति जी, महबूबा मुफ्ती जी 1 मार्च 2015 को मुख्यमंत्री बनी थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी बराबर की हिस्सेदार थी, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसे मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, और उन्हें लगभग 3.25 साल तक इकट्ठा राजनीति किया और इकट्ठा सरकार को चलाया। इस दौरान लगभग 4799 घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई, और जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिविल नागरिक और हमारे डिफेंस के फौजी, हमारे डिफेंस से थे, वो मारे गए। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई बयान नहीं दिया। दूसरा, पीडीपी और बीजेपी का जो ये गठबंधन था, ये एक अवसरवादी गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे करके किसी भी प्रदेश में सरकार में सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन एजेंडे में था, मैनिफेस्टो में था। धारा 370 पर क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? लगभग 11,000 युवाओं ने, जो जम्मू कश्मीर के जो शरारती युवाओं थे, उन्होंने पत्थरबाजी की, हमारी मिलिट्री पे पत्थर मारे, और एक मिनट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके सारे के सारे केस वापस कर दिए। उससे पहले अमरनाथ नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो जिसका सजा मिलती है उसको बढ़नी चाहिए, मिलनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान जो वहां उस टाइम दंगे हुए, उसमें हिंदुओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, वो आज भी मुकदमे फेस कर रहे हैं। तो हिंदुओं के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं वापस लिए गए? एक तरफ तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं, और एक तरफ ये दोहरी नीति अपनाते हैं। अब इलेक्शन नजदीक है पार्लियामेंट का, तो इन्होंने देखा कि पीडीपी के साथ रहकर हमारा नुकसान होगा, तो इन्होंने एक मिनट में ये अपना जो अलायंस था तोड़ दिया। क्या ये 2019 की पिच तैयार की जा रखी है जिसमें कुर्बानी दे दी गई जम्मू कश्मीर के? ज्योति जी, निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले दिनों से जो घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, पूरे देश में ये संदेश लोग महसूस कर रहे थे, शायद बीजेपी जम्मू कश्मीर को अपने हाथ से खो देगी या कमजोर महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री किसी भी हालत में ये नहीं दिखाना चाहते वो कमजोर हैं, सिर्फ ये 2019 की पिच के लिए ये सारा कुछ किया गया है। वैसे तो 1977 से लेकर आज तक लगभग 8 बार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जम्मू कश्मीर के लिए कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन ये पूरे देश की जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी कार्रवाई अभी की गई है। आपको ध्यान होगा, 3 दिन पहले मीडिया जब राजनाथ जी से बात करना चाहता था इस विषय पे, तो राजनाथ जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 3 दिन पहले ही ये संदेश दे दिए थे कि आपको 17 के बाद हम कुछ करेंगे। हाँ, तो जो उन्होंने संकेत दिए थे वो उन्होंने कर दिखाए। जी कालो साहब, क्या लगता है क्या स्थिति अभी वाकई इतनी खराब हुई थी सुरक्षा के लिहाज से और आतंक के लिहाज से कि राजनीतिक फैसला इतना बड़ा लिया गया? मैं महसूस करता हूं कि यह स्थिति जब से मुल्क का बंटवारा हुआ तब से बिगड़नी शुरू हुई। अगर उस समय जबकि
वो घुसबैठिए उधर आए थे और हमारे जनरलों ने ये बोला था कि मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए, हमने आगे धकेल देते हैं। अगर उनकी बात मान लेते सरकार तो ये जो खून खराबा और ये जो गठबंधन का ये काम हो रहा है ये ना होता। 65 में मिले, 71 में मिले मौके। मैं ये महसूस करता हूँ ये सभी सरकारें जो हैं तब से लेकर ये फेल हो गई हैं लोगों के साथ संपर्क रखने में, सियासी प्रॉब्लम को हल करने में। एक कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम तो थोड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, मगर सभी सियासी पार्टियां सियासत करते रही। इस समय कश्मीर वादी के अंदर 66% जो पॉपुलेशन है और नौजवान 30 उम्र से कम वालों की है। मैं समझता हूं किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता उनकी तरह तैयार नहीं दिया। आज क्या हो रहा है, युवा पीढ़ी कोई उनके पास लीडरशिप नहीं है। जो लीडरशिप है आमतौर पर जो सियासी नेता बैठे हैं इनके पालक नीति करते हैं, नेता करते हैं, वो तो बाहर बैठे हुए हैं जो के, और बाकी जाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के साथ संपर्क नहीं रहा, बच्चों के साथ खास तौर पर विकास की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर सिर्फ पूरी पॉपुलेशन का 1% ही है जबकि इनको फंड 10% जो के इसके लिए रखे जाते हैं डेवलपमेंट के लिए दिए गए, कहां गए डेवलपमेंट। मैंने बहुत अरसा उधर नौकरी की है, जंग भी लड़ी है कतर की, गांव में जाके देखा विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, युवा पीढ़ी का ध्यान नहीं दिया, एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। हरियाणा कांग्रेस से हमारे और शहादते फौजी देते रहे। अभी पिछले 3-3.5 साल 400 से जो हमारे सैनिक हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो गए, 350 के करीब सिविलियन हो गए, और सिर्फ वो इधर तक नहीं। मैं समझता हूँ ये सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, ठीक है। जितेंद्र भारद्वाज भी है हमारे साथ, हरियाणा कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भारद्वाज जी आवाज मिल पा रही है आपको? जितेंद्र भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए आएंगे आपके पास। हरियाणा कांग्रेस का एक बार फिर से पक्ष जानेंगे। शास्त्री जी बात सिर्फ इतनी है कि 650 जवान शहीद हो गए जो कि शिवसेना का पक्ष है, 3.5 साल गुजार दिए, उसके बाद आप लोगों को याद आता है कि लद्दाख का विकास नहीं हुआ, आतंक बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे बड़े मसलों पर केंद्र की सुनी नहीं जाती। निश्चित रूप से जो कारण हमने समर्थन वापसी के लिए हैं उनकी गहराई में जाएंगे तो सब वाजिब मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रश्न ये आता है कि इतना समय क्यों लगा, क्योंकि जिस बात को मिनिमम प्रोग्राम बनाकर हमने इस यात्रा को शुरुआत की उसके प्रति कुछ समय तो बिताना ही था, क्योंकि विश्वास जो किया है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जितना विकास जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में होना चाहिए था, जितना बजट का पैसा उधर लगना चाहिए था उतना नहीं लग पाया, और अनेक बार बीजेपी कितनी जिम्मेदार थी बताइए। देखिए इस बात से कोई बचा नहीं जा सकता कि जब सत्ता की हिस्सेदारी थी तो उसके अंदर कमोबेश दोनों पक्षों को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होती है कि जो कुछ हुआ है उसमें ये नहीं कह सकते कि भाजपा निर्दोष थी और पीडीपी उसके अंदर दोषी थी कुल मिलाकर। लेकिन ये रस्साकस्सी और राजनीतिक अनुभवी जो वहां के जो कार्यकर्ता थे उनका ये प्रयास कि कुछ और आगे हो जाएगा, कुछ और आगे हो जाएगा, इसको लेकर आगे बढ़ते रहे। देखिए शास्त्री जी को इस बात की जानकारी भी है, बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से भी कहा गया अगर जम्मू और लद्दाख का विकास नहीं हो रहा था, अगर आतंक बढ़ा तो संज्ञान लिया जाना चाहिए था, प्रयास किए जाने चाहिए थे। अब पीडीपी पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जा रहा है जो कि विपक्ष का पक्ष है। ज्योति जी अभी शास्त्री जी ने मानना कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेवार है तो बीजेपी को चाहिए अभी देश से माफी मांगे। इन्होंने सत्ता का लोभ लेने के लिए वहां उनसे अलायंस किया और 3.25 साल लग गए इनको ये देखने में भी विकास हुआ नहीं हुआ। सेंटर में सरकार बीजेपी की, स्टेट में लाइंस में बीजेपी की, फिर भी विकास नहीं हुआ। जब ये पूरे देश में ढोल पीटते हैं कि हम समान विकास समान डेवलपमेंट कर रहे हैं पूरे देश में तो क्यों नहीं विकास हुआ वहां? अगर ये अपनी जिम्मेवारी मानते हैं तो ये देश से माफी मांगे। ठीक है, बीजेपी माफी मांगने से पहले आपके किए हुए कामों के ऊपर भाजपा के जो 3 साल से पहले और इस 70 साल के अंदर जो जम्मू कश्मीर की समस्या को पैदा करके और यहां तक पाल पोस कर उसको बड़ा किया है उसके लिए कभी भी एक बयान कांग्रेस की ओर से आया? मैं पूछना चाहता हूं क्या आपके पत्थरबाजों के ऊपर केस वापस लेने के लिए कभी भी कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेता का सवाल आया? कभी भी अलगाववादियों के द्वारा जब कश्मीर को बंद करने का आह्वान आया तब कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय नेता का बयान आया?
और किस समय जम्मू कश्मीर के अंदर शांति हो, इसका प्रयास कांग्रेस के दौर से किसी भी राष्ट्रीय नेता का यदि आया हो, उसकी कोई कार्य योजना दी गई हो, उसके साथ कोई काम करने का अवसर मिला हो, तो एक उदाहरण बताइए। और नहीं तो आप पहले माफी मांगिए कि जो 1947 के लेकर, जैसा कि जनरल साहब कह रहे थे कि 47 से लेकर आज 77 तक की जो गलतियां कांग्रेस के नेतृत्व ने की, जिसके कारण से आज देश के अंदर एक जो फोड़ा बनकर सारे देश को नहीं दुनिया के ऊपर एक दिशा आ रहा। चलिए, भारद्वाज जी भी हमें सुन पा रहे हैं, फोन लाइन पर वो हैं। भारद्वाज साहब, क्या लगता है, क्या कुर्बानी दे दी बीजेपी ने देश हित में? देखिए, जिस कुर्बानी की बात कर रहे हैं, अभी तो मैं जो सज्जन बोल रहे थे, मैं एक बार उनके बयान को एक बार ये पूछना चाहूंगा कि वो जो 1947 से अब तक की विवेचना कर रहे थे कि कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे थे या विपक्ष में बोल रहे थे? आपको समझ में नहीं आया? मैं अभी जुड़ा हूँ, ये बीजेपी से हमारे साथ हैं शास्त्री जी। इनकी ओर से कहा गया कि आप लोगों ने क्या किया घाटी की शांति के लिए, क्या किया गया आतंक पर अंकुश लगे इसके लिए, क्या किया गया? हालांकि आज का विषय लेकिन ये है कि गठबंधन तोड़ा गया है, सरकार गिरी है, तो उस पर कांग्रेस का फिलहाल क्या स्टैंड है? गठबंधन तो इन्होंने बहुत जल्दी तोड़ा, सैकड़ों जवानों की जान गंवाने के बाद इनको आज याद आई कि बीजेपी का गठबंधन तोड़ देना चाहिए बीजेपी को। और ये किस वजह से गठबंधन तोड़ा गया है, इसकी वजह तो आप सब लोग जानते हैं। मेरी समझ से चुनावी वर्ष आ गया, चुनाव होने वाला है, एक चुनाव की वजह से अब ये कुछ फर्जी स्ट्राइक कराई जाएंगी और ये दिखाया जाएगा कि हमने देखिए आतंकवादी मार गिराए, फलाना इस तरह से हमने एक्सपीज कर दी। ये देश को केवल भ्रमित करने का एक आयोजन प्रायोजन बीजेपी का एक ये अवसर क्यों मिला भाजपा को? कांग्रेस तो इस देश में 70 साल से थी, फिर भ्रमित होने का अवसर क्यों मिला? आपने क्यों नहीं समस्या का समाधान किया? भाई आप बताइए ना, नेहरू जी से लेकर और राजीव जी तक और मनमोहन सिंह तक कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जिसमें घाटी में शांति हो? श्रीमान जी, आप श्रीमान जी, हाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने कौन कौन से कदम उठाए थे? ज्योति जी उनको सुने या उनको लेन से काटते, वो बात तो करें ना पूरी अपनी। भाजपा के अंदर भक्तों में बड़ा दुखी हूँ, 70 साल में अपने 13 साल भी जोड़ देते हैं। अरे भाई, अपने 13 साल तो माइनस कर लो हमारे 70 साल के अंदर से, मतलब अपने 13 साल भी हमारे को दे देते हो। भाई तुम रहे हो 13 साल, उसको वाजपेयी जी को क्यों भूल जाते हो? इमरजेंसी के टाइम को भूल जाते हो? और जो अब जो तुम्हारी इमरजेंसी तो आपका था, हमारा थोड़ी था। इमरजेंसी का कालखंड तो आपका था, आपने देश के ऊपर इमरजेंसी थोपी थी। भारद्वाज जी, स्मृति भंग होगी क्या? नहीं नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, 70 सालों में 13 साल आपकी सरकार रही है। आप गणना कैसे कर रहे हैं? या तो इसका मतलब ये है कि सारा जो कांग्रेस को छोड़कर बाकी लोग हैं वो भाजपा को नेतृत्व दे रहा है। एक मिनट, 70 पर बात होती है, 70 पर पीडीपी कुछ बोलती है, बीजेपी कुछ बोलती है, अलायंस में कुछ लिखा गया नहीं। ज्योति जी, लेकिन आज के संदर्भ में केवल हम बीजेपी को पूछेंगे ना कि कांग्रेस को, आज का विषय सत्ता में है उसके बारे में पूछेंगे। अगर ये कह के ये कह दें कि अपना दोस्त मुक्त हो जाइए, भारद्वाज जी बोल नहीं, जोगीराम जी से सवाल है, भारद्वाज साहब आएंगे, जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर की सत्ता में नहीं रही है अपनी मर्जी से, ठीक है? अब इनका ये कहना है कांग्रेस ने ये किया उसने किया, ये कोई नहीं पूछेगा इनसे। पब्लिक ने मैंडेट बीजेपी को दिया है, बीजेपी से पूछेंगे भी आपने क्या किया इनमें 4 सालों में, भाई आपने क्या कश्मीरी पंडित का मसला सुलझा दिया है, या आर्टिकल 370 में आपने कुछ किया है, या कितने लोग मर गए सिविलियन मिलिट्री के, आपने क्या किया है? जब ये कह रहे थे हम एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, कितने सर लेके आए ये? अगर सेंटर अब किसी अपोजिशन रूल स्टेट में जाता है तो सेंटर के प्राइम मिनिस्टर या जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये सारा डेवलपमेंट तो सेंटर का किया हुआ है। तो भाई जम्मू कश्मीर में कौन रख रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को विकास करने के लिए? जम्मू में कर सकती थी, लद्दाख में कर सकती थी, क्या पीडीपी सेंट्रल फंड्स को भी रोक देगी वहां से? सेंट्रल स्कीम लेके आए ये, क्या स्कीम लेके आए उनके बारे में बताया शास्त्री जी? क्या किया उन्होंने? नहीं, सेंट्रल अपनी स्कीम लेके आता है, बिल्कुल, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अपोजिशन स्टेट में जाती है, हमने सारा कुछ किया तो वहां क्यों नहीं बोलते हमने ये किया? कुछ बोलिए शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार सेंटर में बढ़ने से पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा बयान आता था हर एक रैली से भी, हम एक सिर के बदले 10 सिर लेके आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के भाइयों से भी, पिछले 4 साल के दौरान कितने सिर आए पाकिस्तान से? दूसरी बात, बहन स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियों का, उस टाइम के प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां बेचने की बात की थी, मैं कहता हूँ चूड़ियां आज कहां हैं जब देश हर जगह शर्मसार हो रहा है, जहां हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, आज वो चुड़िया कहां चली गई?
अब भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र था वो पूरे देश ने देख लिया है और इलेक्शन नजदीक आने की वजह से इन्होंने ऐसा ये ड्रामा किया है। आज पूरे ही देश में जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर चर्चा है। बीजेपी ने हाथ खींचा है और महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा देना ही पड़ा है। अब मांग ये है कि राज्यपाल शासन लागू कर दिया जाए। ये कितना लाभकारी हो सकता है राज्य के लिए और साथ ही आगे की राजनीति क्या होगी, बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है, ये तो विषय है ही, साथ ही क्या घाटी के हालात सुधरेंगे, इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। कोहली साहब, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कहलो साहब की स्थिति अब बेटर हो सकती है, क्या अटैकिंग मोड पर आ सकती है बीजेपी खुद से? आप कोई घाटी में जो सिचुएशन है वो बदली नहीं बल्कि वर्सन हुई है। अगर देखा जाए ओवरऑल तो सिर्फ हम कश्मीर वादी की बात मत करें मगर जो इवन दी इंटरनेशनल बॉर्डर आरएसपुरा ले लो, अखनूर ले लो, सांबा ले लो, इधर हम उनकी देशवासियों की बात नहीं करते, श्रद्धी लोगों की जो घर से बेघर हो रहे हैं, जिनके ऊपर जो बच्चे हैं स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे भी मारे जा रहे हैं, तो कोई नीति नहीं है कौमी पदर पर। हम आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ब्लेम करते हैं, ये फैसले जो होते हैं ये सरकार के एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर होते हैं, पीडीपी या इसके साथ कॉम्बिनेशन बीजेपी हो या कोई हो, ये फैसले उसके अंदर सरकार के, जो अगर 11,000 पत्थरबाजों को छोड़ा गया तो कोई एक एक चीफ मिनिस्टर का फैसला नहीं था, ये तो सारा का इकट्ठा फैसला था। मैं समझता हूँ कि हमको एक साथ होके अगर किया है सभी पार्टियों ने लेकर, अगर फैसला एक किया है कि हाँ भाई सीज फायर के लिए रिकमेंडेशन गई केंद्र सरकार को, बाकियों के लिए ए, नेता लोग क्यों नहीं जाते ग्राउंड के अंदर? हाँ। कोई शोपियों के अंदर गया, कोई बारामूला में जाता जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से इलेक्शन के लिए थोड़ी थोड़ी वोटों लेके बैठ जाते हैं घरों के अंदर, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं उनको इतना फंड दिया जा रहा है, क्यों उनकी क्या अहमियत है? सिर्फ वो डिक्टेट करते हैं टर्म पाकिस्तान के साथ, उनका उनका पैसा उधर दोनों जगह से पैसा आता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर पूरा हम जो फौज है वो पूरी तरीके से तैयार पर तैयार है, बहुत सारे घुस बैठिए पकड़े जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फेलियर कहाँ है? इंटेलिजेंट फेलियर, फेलियर कहाँ है? जहां आके पनाह लेते हैं, फेलियर तो हिजबुल मुजाहिदीन हो जो के उधर तैयार हो रहे हैं, उनको हथियार कहाँ से आते हैं, उनको पैसा कहाँ से मिलता है, वो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो फौज ने करना है उसका साथ किसने देना है? पुलिस है, पैरामिलिट्री है, मगर उधर से भाग निकलते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, उनको रोकने वाला क्यों नहीं जाते मैदान के अंदर, क्यों नहीं जाते? सिर्फ फौज ही रहेगी शहादत देने के लिए, उनके परिवारों को देखो, इधर कहते हैं कि हम कंटोनमेंट छोनिया बंद कर दो, सिविलियन जाएंगे उधर, इनको पता नहीं है कि क्या उधर तबाही हो रही है, जो शहादत दे रहे हैं उनके परिवार उधर रह रहे, तो ये फैसले जो है जल्दबाजी में फैसले ले जाते हैं जिसका भुगतान फौज को करना पड़ता है, और फौज ही एक ऐसी है जिसके ऊपर बल के ऊपर राजभाग कर रहे हैं, बेशक कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या एनडीए हो, या यूपीए हो, मगर इनको एहसास होना चाहिए कि फौज के हाथ बांधे हो गई। क्या एक दिन में ही ये दिक्कतें परेशानियां हुई हैं इतनी? नहीं, एक दिन का कोई कारण नहीं था, और एक दिन के किसी घटनाक्रम को लेकर लंबे निर्णय भी नहीं लिए जाते, और निश्चित रूप से आज के इस निर्णय का राष्ट्रीय सभी दलों ने इसका स्वागत किया है कि हाँ कुछ ठीक हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी ठीक करने के लिए जो आगे का जो कदम होगा उनमें भी सब पार्टियों को लेकर और सब पार्टियों का विचार लेकर करना होगा। नहीं लिया गया तो बीजेपी ने कभी माना किसी बात को लेकर माना कि अच्छा नहीं कर पा रहे जम्मू कश्मीर में? हाँ, अनेक बार आपने पीछे देखा होगा मंत्रिमंडल के विस्तार का बदलाव का कारण भी यही था कि कुछ और कुछ इसमें बदला गया, अपने स्तर के ऊपर बीजेपी ने अनेक बार चिंतन मंथन किया और अपने नेतृत्व में भी विचार विमर्श के लिए कुछ नीति और कुछ कार्यकर्ता आगे पीछे बढ़ाए, और निश्चित रूप से वही एक इंडिकेशन था कि वहां जो कुछ हम करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, और इसलिए उस पर नए नए प्रयोग करके और उसको एक अंजाम तक कि किसी तरह हम सफलता लेकर प्रयोग तो होता ही है, प्रयोग तो करना ही होता है, क्योंकि हम किसी चीज को लेकर
आज नहीं कह सकते कि ये ठीक होगा। जब भी हम कोई बैठते हैं तो सर्वदलीय बैठकों के अंदर भी, सर्वदलीय योजनाओं के अंदर भी, आज जम्मू कश्मीर का जो विषय है वो केवल भाजपा और पीडीपी के बीच का नहीं है, आज वो नेशनल और इंटरनेशनल इशू बनने के और बनाने की फिराक में कुछ देश और विदेश में बैठे पत्रकार भी लोग रहते हैं। जब वहां सरकार बनाई गई थी उस वक्त क्यों नहीं लगा था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर का विषय रखनी है बीजेपी को? मैं शास्त्री जी से यही पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कहा भी हमने एक्सपेरिमेंट किए बार बार जम्मू और कश्मीर में, इन्होंने हरियाणा में बंसीलाल जी से तालमेल किया, एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने INLD से एक्सपेरिमेंट किया। मैं कहता हूँ क्या जम्मू और कश्मीर एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है क्या? इन्होंने कहा कि आपने अभी पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी कोई पहले बयान आया? मैं कहता हूँ पिछले 3.25 साल में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कही PDP गलत कर रही है और हम इनका समर्थन नहीं करते। आज अचानक इन्होंने इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सभी फैसले केंद्र द्वारा लिए गए हैं। ज्योति जी, इन सब मिनिमम प्रोग्राम के लिए आपको ध्यान में आएगा कि जब मुफ्ती महमूद साहब का, जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो 3-4 महीने मंथन चला, उनकी मृत्यु के बाद तुरंत आप सोचेंगे दूसरे दिन शपथ नहीं हुई, उसके बाद फिर कितने दिनों तक, महीनों तक इस पर विचार मंथन होता रहा और उसके बाद इसमें फैसला हुआ। निश्चित रूप से हम अच्छा करने के लिए, क्योंकि वो घाटी के बहुत बड़े भूभाग के ऊपर उनका जनमत था और उनको समर्थन मिला था और इस पर विश्वास किया जा सकता कि जो समर्थन लेकर आए तो उनकी जनता में पकड़, जनता को साथ लेकर वो कुछ न कुछ नया कर सकते हैं। फेलियर केवल घाटी में है, लद्दाख में और जम्मू में नहीं है। फेलियर जहां है उसका जुम्मा पीडीपी के ऊपर था जहां उसने को बहुमत मिला और वही लद्दाख का भी कह दिया गया कि वहां भी विकास नहीं हुआ। विकास के जनसमर्थन दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। विकास ना होना भी क्या विफलता नहीं होती क्या सरकारों की? शास्त्री जी नहीं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो आतंकवाद के कारण से ऐसी सारी स्थिति पैदा हुई वो पीडीपी का जो क्षेत्र है जिसके अंदर उनको बहुमत मिला और ये सोच करके इनको वहां बहुमत मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को नकारा है लोगों ने, तो ये जो बात करेंगे वो जनता की और आवाम की बात होगी, लेकिन ऐसा उनका प्रतिनिधित्व और जो उनकी इच्छा शक्ति थी जो उन्होंने वादा किया था उस इच्छा तक अभी तक जम्मू कश्मीर को लेकर जब जब सवाल पूछे गए तो बीजेपी ने खुद को शाबाशी दी है, ऑपरेशन ऑल आउट का जिक्र करते हैं, आतंक का खात्मा हम कर रखे हैं। आज जब पैनल पर सवाल किया जाता है तो कहते हैं एक दिन का फैसला नहीं, बहुत लंबा विचार किया गया, प्रयोग भी किए गए कि कोशिशें की गई, सरकार चले। आखिर जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला क्यों बना रहे हैं? हमारी समझ में आज तक किसी देश में किसी की भी समझ में ये नहीं आया। आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरे मित्र शास्त्री जी ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। पश्चिमी बंगाल में आपकी सरकार नहीं थी लेकिन फिर भी आपने बांग्लादेश के साथ जो लैंड इनक्लेव बोलते थे उनका मामला सुलझा दिया। भारत की जमीन पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर थी और बांग्लादेश की जमीन हमारे अंदर थी, वो आप लोगों ने सुलझा दिया। लेकिन ऐसा क्या है कि आप कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझा पा रहे? कहीं कोई तो लैक होगा, कोई तो कमी रही होगी आपकी वहां की सरकार में जो आपने पीडीपी से गठबंधन किया कि वो मुद्दा आप नहीं सुलझा पाए 3.5 साल में। आप तो कह रहे थे हम तो निपटा देंगे कश्मीर का मुद्दा, हल कर देंगे, लेकिन आपने वहां गठबंधन कर लिया। ये जो आज किया है ये आपको आपने पहले ही कर देना चाहिए था। गठबंधन का विकल्प क्या था कि चुनी हुई सरकार बने ना बने, क्या इसका विकल्प क्या था? अब ये आप पहले सुझा देते जो अभी आप सुझाए बीजेपी अब कर सकती है, अगर विचारधाराएं मेल नहीं खाती तो भी सरकार बना ली जाए। एक बार नहीं, लोकतंत्र के अंदर बहुत दिनों तक चुने हुए लोगों को रोका नहीं जा सकता, इसलिए मिनिमम प्रोग्राम केवल जम्मू कश्मीर प्रयोग नहीं है, देश में अनेक बार ऐसे राजनीतिक गठबंधन हुए हैं जिनका मिनिमम कार्यक्रम बना, चाहे वो UPA का लगाए या NDA का लगाए, ये दोनों काल मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर था और उसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन पार्टी क्या मुद्दा लेकर जीत के आई, क्योंकि वो मुद्दे पीछे रह गए क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और मिनिमम प्रोग्राम बनाकर कोई इनको काम लेकर आ गया। बीजेपी तो केंद्र में भी है, मैंडेट मिला है, आप लोगों को जनादेश है और बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर बात करती है। जोगी राम जी, धारा 370 को लेकर बीजेपी कुछ और बोलती रखी, ये सवाल लगातार पैनल पर बरकरार है, पीडीपी कुछ और बोलती रखी, जब गठबंधन किया गया तो लिखित में कुछ और रहा इसको लेकर? देखिए, मैं शास्त्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, कैबिनेट डिसीजन जो होता है जॉइंट डिसीजन होता है, क्या कोई कैबिनेट डिसीजन हुआ कि आपने कभी भी कहा कि हम इससे सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं, कभी भी कहा।
आज से 10 दिन पहले बड़ी वाहवाही लूटते रहे कि हमने इतने टेररिस्ट मार दिए हैं, कांग्रेस के टाइम में तो कुछ नहीं हुआ, जब रूलिंग में कांग्रेस ही सेंटर में कुछ नहीं हुआ, हमने इतने टेररिस्ट को खत्म कर दिया, इतने की हमने लिस्ट बना ली है, इनका भी सफाया कर रहे हैं हम, लेकिन कभी ये नहीं कहा अभी कोई अड़चन है हमारे बीच में और हम इसको दूर करना चाहिए। आज पीडीपी को बोले अनुभव है आपके पास, आप ये ध्यान करेंगे कि गठबंधन होकर रोज रोज रोना पीटना टीवी चैनल्स पर और जनता के सामने नहीं होता, वो इंटरनल अपनी विचार होता है, वहाँ होता रहता है, तो वहाँ नहीं होता, कोई मैदान में आ जाता है। आपका अनुभव नहीं कहता हरियाणा का मंत्री चेंज कर दिया, जोगी राम जी आपका अनुभव नहीं रहता, जोगी राम जी आपका अनुभव नहीं रहा जब भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी बंसीलाल से समर्थन वापिस लेकर जब इनेलो को सत्ता सौंपी थी तो क्या क्या स्थिति हुई थी, ये आप अनुभव नहीं है उनका, यहाँ के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं है उनका, और किस प्रकार से आप लोगों ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके और गठबंधन धर्म को निभाने छोड़ा था, तो उस समय क्या रोज रोज भाजपा का कार्यकर्ता मैदान में आया था, क्या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति मैदान में आया था, क्या रोड पर प्रदर्शन किया था, क्या नहीं किया? ये गठबंधन का धर्म होता है, कोई बात जब होती है तो इंटरनल बैठकर होती है और जब कोई बात नहीं आती तो मैदान में आया जाता है। केस का अनुसार देखिए एक दिशा में आगे बढ़े, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, कामयाब भी नजर आया था, उसके बाद सीज फायर लागू कर दिया जाता है इंटरनल, जिसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखे। मैडम के पहले छह महीने जब सरकार बनी कोई फैसला नहीं हुआ, कुछ नहीं, तब तक सोच रहे किस मंत्री को लगाना है किसको नहीं लगाना, फिर जितने भी फैसले हुए उसके अंदर भाईवाल साथ में है। हाँ। अगर विधानसभा के अंदर उधर पाकिस्तान के हक में नारे लगाए जाते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती, झंडे फहराए जाते हैं श्रीनगर आईएस के कोई बोलता नहीं है, और किसके अगर शहादत देते हैं फौजी उसके अफसोस नहीं इनको होता, अफसोस किसके जो पत्थरबाज हैं हमारे फौजी जो हैं, आप सीआरपी के देखो अभी रमजान के टाइम पर उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके ऊपर पत्थर पर पथराव हो रहा है, अगर प्लीज लेट मी स्पीक, उसका नीचे आ गया उसके खिलाफ FIR कर दो, और बाकियों के खिलाफ जो पत्थर मार रहे हैं उनकी FIR क्यों नहीं करते, ये बात जो है ये समझनी पड़ेगी। फौज जो है केंद्र सरकार राष्ट्रपति के नीचे जैसे हुक्म मिलते काम करते हैं, अगर ऑल आउट ऑपरेशन हुआ कोई कामयाबी मिली, मगर ओवरऑल जो सपोर्ट है। चलिए आखिरी दो मिनट बचे हैं घनघोर साहब, सभी पार्टियों को जम्मू कश्मीर में फिलहाल गठबंधन करके सरकार बनाना घाटे का सौदा लगता है, राज्यपाल शासन की मांग की गई है, कितनी गुंजाइश देखते हैं आप विकास के इसमें? देखिए ज्योति, यहाँ पे राज्यपाल शासन ही रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ एक और चीजें जुड़ी है, यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता, पहले छह महीने तक यहाँ पे गवर्नर शासन रहेगा, उसके बाद आगे बढ़ाने का सोचा जाएगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू हो सकता है, और मुझे लगता है PDP इससे बाहर होगी है सत्ता से, BJP होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने तो कह दिया कि हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो जल्दी से चुनाव हो। BJP का स्टैंड क्या रहेगा शास्त्री जी? जी, जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर, आतंक को लेकर आप लोगों का रवैया क्या रहेगा? हमने ये स्पष्ट किया है कि जिन कारणों को लेकर समर्थन वापस लिया उन कारणों को तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी, बिंदुवार उनके ऊपर योजना बन गई, और उसका पहला चरण आपको आज सामने देखा कि जीडी बख्शी जनरल साहब को वहां का गवर्नर नियुक्त किया है, और ये आज का ही जो पॉजिटिव पक्ष था वो आप लोगों के सबके देश के सामने एक कामयाब व्यक्ति को वहाँ का गवर्नर बनाया। सभी प्रदेशों में प्रेसिंग राजनीति की है। चलिए बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए, जम्मू कश्मीर को लेकर और BJP का हाथ खींचे जाने को लेकर चर्चा की कि आगे क्या कुछ हो सकता है जम्मू कश्मीर।